नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को दिल से ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ। आप सभी का बहुत 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 आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोग मेरी विजडम से परिचित हो रहे हो, आप लोग मेरी एक्सपीरियंस से हेल्प ले पा रहे हो। मैं दिल से आप सभी की बहुत 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 आभारी हूँ। आप सभी लोगों के ईमेल्स मुझे मिलते हैं, मैं दिल से एक एक ईमेल को बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर सकूँ। अगर मुझे पर्सनल क्वेश्चन लगता है तो मैं पर्सनली आपको आंसर दे देती हूँ, लेकिन अगर मुझे ऐसे लगता है कि आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया है वो आपके जैसे और भी जो डिवाइन सोल्स हैं उनकी हेल्प करेगा, तो मैं वीडियो के थ्रू आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। आज मैं इस वीडियो में व्यूअर्स के क्वेश्चन के आंसर दे रही हूँ जिनकी मेल्स मुझे मिली। अनुजा जी ने एक क्वेश्चन किया है, वो क्वेश्चन है कि उनको थर्ड आई ओपनिंग के एक्सपीरियंस हुए, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छे रहे, बट फिर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनकी थर्ड आई ओपन नहीं हुई है। तो अनुजा जी, जो एक्सपीरियंस आपने किए हैं, जो मुझे लेटर में लिखे हैं, वो वास्तव में थर्ड आई ओपनिंग के ही एक्सपीरियंस हैं, बट आप शायद ये नहीं जानती हैं कि कभी भी थर्ड आई कम्प्लीटली एक बार में ओपन नहीं होती है। अगर आप ट्विन सोल हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप नॉर्मल सोल हैं, और ट्विन सोल में भी मैंने देखा है कि आपने अपने ऊपर कितना इनर वर्क किया है, मैं खाली इस बर्थ की बात नहीं कर रही हूँ, आपने पास्ट लाइफ्स में अपने ऊपर कितना वर्क किया है उसका भी हमारे स्पिरिचुअल जर्नी पर बहुत असर पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जो भी हम स्किल सीखते हैं, चाहे हम नॉर्मल स्किल सीखें चाहे स्पिरिचुअल वर्क करें, वो हमारे नेक्स्ट बर्थ में कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। तो आपने पास्ट बर्थ में कितना वर्क किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इस बर्थ में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। थर्ड आई ट्विन सोल्स की बचपन से ही ओपन होती है, और कुछ वो मेहनत करके अपनी थर्ड आई को क्लियर करते हैं। अब यहाँ मैं कुछ साइन एंड सिम्टम्स बताने जा रही हूँ जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी थर्ड आई कितनी ओपन हुई है। अगर आपको विजन्स, ड्रीम्स और मेडिटेशन में होने वाले एक्सपीरियंस क्लियर कलरफुल नज़र आ रहे हैं, एज इट इज़ जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं, आपके ड्रीम्स कलरफुल हैं, इट मींस कि आपको ड्रीम्स में कलर्स नज़र आते हैं, आपने क्या पहना है, आप किस जगह पर हैं, वो सारे कलर्स आपको अपने ड्रीम्स में नज़र आ रहे हैं, आपके ड्रीम्स कलरफुल हैं, तो आप ये मानकर चलें कि आपकी थर्ड आई ओपन है क्लियरली। लेकिन अगर आपके ड्रीम्स ब्लैक एंड वाइट हैं, आपके विजन्स क्लियर नहीं हैं, ब्लर हैं, आपको कलर कभी कभार बीच बीच में नज़र आते हैं, हर विज़न में आपको कलर नज़र नहीं आते, इट मींस आपकी जो थर्ड आई है वो पार्शियली ओपन है। कम्प्लीटली थर्ड आई ओपन हर किसी की नहीं होती। पार्शियली सभी ट्विन्स की जो थर्ड आई है बाय बर्थ ओपन होती है। अगर आप ट्विन सोल हैं तो बहुत कम टाइम में ही आप अपनी
कंप्लीट थर्ड आई को ओपन कर लेंगे। लेकिन अगर आप ट्विन सोल नहीं हैं तो आपको अपनी थर्ड आई को कंप्लीटली ओपन करने के लिए काफ़ी वर्क करना पड़ेगा, आपको त्राटक करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा और अपने पर्सनल लाइफ में भी उन सभी नेगेटिव एटीट्यूड्स को छोड़ना पड़ेगा जो आपको आपकी लाइफ में हेल्प नहीं कर रहे हैं। फोरहेड पर जहाँ पर हम बिंदी या तिलक लगाते हैं, अगर टिंगलिंग होती है, ईचिंग होती है, बार बार अनजाने में ही आपका हाथ वहाँ पर खुजली करने के लिए उठता है, मीन्स आप जानबूझकर नहीं, आप कुछ काम करें लेकिन अनजाने में आपका हाथ आपके फोरहेड पर पहुंच जाता है, आपको सहलाने का मन करता है या ईचिंग का मन करता है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो थर्ड आई है उसकी क्लींजिंग चल रही है, आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है। और ये काफ़ी टाइम तक चलता है, ये नहीं कि एक दो बार हुआ और वो नॉर्मली भी हो सकता है, लेकिन अगर रेगुलर आपके साथ ये एक्सपीरियंस हो रहे हैं कि आपकी थर्ड आई के वहाँ आपको ईचिंग हो रही है, वहाँ पर आपको डिफरेंट फील हो रहा है, कभी आपको हॉटनेस और कूलनेस महसूस हो रही है, कभी वहाँ वाइब्रेशंस आ रही हैं, कभी आपको वहाँ कोई चक्र घूमता हुआ नज़र आता है, कभी वहाँ पर आपको कुछ छोटी छोटी स्टिंग्स नज़र आती हैं, इट मीन्स कि सभी के एक्सपीरियंस थर्ड आई ओपनिंग में एक जैसे नहीं होते, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कई बार आपको वहाँ पर कंप्लीट एक लाइट नज़र आएगी जो एक स्टार की तरह होगी और धीरे धीरे वो लाइट ओपन होते हुए ऐसे लगेगा जैसे आपने पूरे कमरे में उजाला कर दिया है, लाइट ओपन हो गई है। ये सिम्टम है, ये सिंबल है, ये साइन है कि आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है, हो गई है नहीं कहूँगी मैं, हो रही है। जब आपकी थर्ड आई कम्प्लीटली ओपन होती है तो उससे पहले आपको एक सिग्नल मिलता है, वो सिग्नल है कि जैसे मून है ठीक ऐसे ही मून की तरह ही बहुत बड़ा एक सर्कल, बहुत ट्रांसपेरेंट वाइट एनर्जी वाला, आप उसके अंदर एंटर करते हैं। और ये मेरे साथ हुआ था इसीलिए मैं बता रही हूँ, मेरी फ्रेंड के साथ भी सेम एक्सपीरियंस रहा। मैं कोशिश यही करती हूँ जो ट्रू एक्सपीरियंस मैंने या मेरे फ्रेंड्स ने या जिनसे मैं परिचित हूँ चाहे किसी भी रूप में, उनके एक्सपीरियंस ही मैं आपके साथ शेयर करूँ जिससे कि आपको ट्रू गाइडेंस मिल सके। बाकी सारे एक्सपीरियंस चाहे डिफरेंट हो लेकिन ये एक्सपीरियंस सेम होता है कि एक वाइट कलर की ट्रांसपेरेंट एनर्जी बॉल आपको नज़र आती है और आप उसके अंदर घुस जाते हैं। अब आपके साथ ये कब होता है, सबके साथ डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे मेरे साथ जो हुआ था, मुझे उससे पहले काफ़ी साल तक एक 7 कलर की जिगजैग लाइन जो मेरी आई के एक कॉर्नर से स्टार्ट होती थी और दूसरे कॉर्नर तक वो फैलती चली जाती थी, तो ये एक साल नहीं, ये कई सालों तक मेरे साथ हुआ। उसके बाद ही मेरी जो थर्ड आई है वो ओपन हुई थी। और जब ये मेरे साथ होता था उस टाइम मैं मेडिटेशन नहीं करती थी। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में से किसी एक वीडियो में अपने कंप्लीट थर्ड आई ओपनिंग के सिम्टम्स के बारे में बताया है, मीन्स अपने इन अनुभवों को एक्सप्लेन किया है डीपली कि आप लोगों की हेल्प हो सके, आप ये पता चला सके कि आपके साथ हो क्या रहा है। क्योंकि मेडिटेशन में मैं बाद में आई हूँ अपने इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए, ये सारी चीज़ें मेरे साथ विदाउट मेडिटेशन हुई हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मेरी आई में नोज़ के पास जहाँ से हम काजल लगाना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से एक लाइट ओपन होती थी वाइट कलर की ट्रांसपेरेंट, और उसके बाद उसमें इंद्रधनुष के कलर जैसी लाइनें धीरे धीरे बढ़ती चली जाती थी, वो जिगजैग की
शेप में होती थी और पूरा फैलते फैलते पूरी आई को कवर करते हुए ऊपर आई में कहाँ अंदर गुम हो जाती थी मुझे पता नहीं चलता था। जब ऐसा मेरे साथ होता था तो पूरे 7 कलर्स, मैं बंद आँखों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओपन आइज़ की बात कर रही हूँ, कभी आप लोग सोचें कि मेडिटेशन में ये दिखता है, तो वो पूरे 7 कलर्स जो थे वो पूरा ओपन फैलने लग जाते थे और उस टाइम मेरा विज़न ब्लर हो जाता था। अभी भी जब कभी किसी डायमेंशन के लिए ग्रोथ होती है, मीन्स मैं असेंड होती हूँ, उससे पहले ये साइन एंड सिम्टम्स अभी भी मेरे सामने आते हैं और ये डायमेंशंस का संकेत देते हैं। इट मीन्स वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, जैसे ज़ीरो डायमेंशन होती है तो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, फिर फर्स्ट सेकंड और ऐसे करके ज़िगज़ैग करके उसके डायमेंशंस बढ़ते चले जाते हैं। पहले मुझे नहीं पता था तो मैं सोचती थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं डॉक्टर के पास भी गई, मुझे लगा कि मुझे कैटरेक्ट हो गया है, क्योंकि उसी में ऐसा कहते हैं कि बल्ब की चारों तरफ आपको 7 कलर का एक लाइट नज़र आती है। और इसीलिए अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो आप, मैं ये कहूँगी डॉक्टर से चेकअप ज़रूर कराएं, क्योंकि किसी अंधविश्वास में नहीं रहना चाहिए, दूसरे के कहने में नहीं आना चाहिए। अगर आपको लगता है आप डॉक्टर से बिल्कुल ट्रीटमेंट कराएं, चेक कराएं कि किस वजह से हो रहा है, क्योंकि मैंने हमेशा यही किया है कि ट्रीटमेंट कराया है, पक्का पता किया है कि हाँ ऐसी कोई डिज़ीज़ नहीं है। इवन कि रिसेंटली भी मैं अपने आई चेकअप के लिए गई हूँ, तो वो कलर्स जो हैं वो धीरे धीरे उनके, जैसे जैसे, हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हमारी थर्ड आई क्लीन होती जाती है तो इसके डायमेंशंस में फ़र्क आना शुरू हो जाता है, मीन्स वो बढ़ती चली जाती हैं। और एक टाइम ऐसा आता है ये बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा हो जाती हैं कि एक वाइट कलर की ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल बॉल, लेकिन क्रिस्टल बॉल में भी वो ग्लास की तरह होगी, लेकिन ये वाली जो ट्रांसपेरेंट बॉल है वो उसमें लाइट, इतनी ज़्यादा लाइट नज़र आती है, ट्रांसपेरेंट होते हुए इतनी ज़्यादा लाइट, जैसे एलईडी बल्ब की तरफ आप देखेंगे तो वो आपको कैसी नज़र आएगी। उसको ये मान के चलो कि वो एक कांच का वाइट ग्लास है और उसमें इतनी रोशनी है बहुत ज़्यादा, आप उसके अंदर घुसते चले जाएंगे और उसके अंदर घुसने के बाद जब आप उसके अंदर से दूसरे साइड जाएंगे तो आपको एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होंगे। जैसे यहाँ मैं मेरी एक फ्रेंड का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी किन्हीं कारणों से, जब उन्हें ये एक्सपीरियंस हुआ था तो उन्होंने शिव को देखा था और वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी, और वहाँ पर उन्हें कुछ नॉलेज दी गई और उसके बाद से उनकी थर्ड आई कम्प्लीटली ओपन हो गई। मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ था, मैं उस बॉल के अंदर चली गई डीप में और जब उस बॉल में से मैं बाहर आई तो मुझे बंद आँखों से दिखना स्टार्ट हो गया और मेरे लिए बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब मैं इस एक्सपीरियंस को कर रही थी तो मेरी मदर इन लॉ मेरे पास बैठी थी और मैंने उनको बोला मम्मी देखो मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि मेरी आईज़ में ना कुछ डिफरेंट हो रहा है और मुझे नज़र नहीं आता क्लियर और मुझे धुंधला धुंधला दिखने लग जाता है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं आंखें बंद कर बैठ जाओ, और मैं तो आंखें बंद कर बैठ गई, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो वो मुझसे काफ़ी दूर बैठी थी और मैंने उनसे पूछा कि आप तो मेरे पास बैठे थे वहाँ क्यों चले गए, तो उनका जवाब था कि ना मेरे रोंगटे खड़े होने लगे थे इसीलिए मैं तुमसे दूर हट गई। इट मीन्स कि जब आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इन एक्सपीरियंस का बताने का सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है कि जब आप ये एक्सपीरियंस करते हैं तो जो पर्सन आपके आसपास हैं वो भी उस एनर्जी को फील करते हैं, ये नहीं कि आप ही फील करते हैं, और उसका रिफ्लेक्शन आपके आसपास बैठी हुई हर एक चीज़ के ऊपर, वस्तुओं के ऊपर, पर्सन के ऊपर, सभी के ऊपर होता है। इवन कि धीरे धीरे ये राज मेरे सामने खुल रहे हैं कि अच्छा ऐसा भी कुछ है। मैंने यहाँ तक देखा कि जो ऑरा देख लेते हैं
जैसे मैं वीडियो कॉल कर रही थी किन्हीं के साथ में, मेरी फ्रेंड है, काफ़ी असेंडेड सोल हैं, तो उन्होंने जब वीडियो कॉल में मुझसे बात की, तो जहाँ मैं मेडिटेशन करती हूँ उस वॉल को नॉर्मली जो नॉर्मल पर्सन देखेंगे तो उन्हें कुछ नज़र नहीं आएगा, नॉर्मल वॉल नज़र आएगी, लेकिन उन्होंने वहाँ पर भी वो 7 कलर्स मीन्स उस वॉल का ऑरा, उस वॉल को इतनी कलरफुल उसमें देखा, कंडीशन में देखा, और मुझसे पूछा कि तुम्हारे यहाँ की कलर जो वॉल है जहाँ तुम बैठी हो उसके पीछे जो वॉल है वो इतनी कलरफुल कैसे है। वहाँ तो जैसे जो सेम कलर तुम्हारे ऑरा में है वो ही उस वॉल में नज़र आ रहे हैं। तो मैंने बताया कि मैं यहाँ पर मेडिटेशन करती हूँ। इट मीन्स कि आप जिस जगह पर मेडिटेशन डेली करते हैं, तभी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको ये कहा है, रिक्वेस्ट की है कि जब भी आप मेडिटेशन करें तो आप अपनी जगह चेंज ना करें, मीन्स फिक्स किसी एक जगह पर ही मेडिटेशन करें जिससे कि आपको बेटर एक्सपीरियंस हो। और वो एरिया कंप्लीटली हाई वाइब्रेशनल हो जाता है, वहाँ का जो ऑरा है वो भी ब्राइट होने लग जाता है। अब देखिए, मैं आपसे बातें कर रही हूँ, थर्ड आई चक्रा के बारे में बात कर रही हूँ, और मुझे थर्ड आई चक्रा में इचिंग स्टार्ट हो गई है। इट मीन्स कुछ ना कुछ चैनलिंग होने वाली है। जब आपकी थर्ड आई ओपन हो जाती है तो आपको डाउनलोड्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, आपको फ्यूचर पहले ही पता चलने लग जाता है। ये नहीं कि आप जानबूझ के किसी के बारे में पूछेंगे, आप अनजाने में ही आपको वो विजडम मिलने लग जाती है। जब आपके साथ ऐसा होने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपका जो थर्ड आई चक्रा है वह ओपन होना स्टार्ट हो गया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सारे एक्सपीरियंस आपको एक दिन में होने लग जाएंगे, तो मैं ये बता दूं कि नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये सारे एक्सपीरियंस एक दिन में नहीं होंगे, ये डिपेंड करता है कि आपने कितना वर्क किया है इस बर्थ में और लास्ट बर्थ में, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। जिन लोगों ने अपने पास्ट लाइफ में जितना ज़्यादा वर्क किया है उन्हें उतना ही कम समय लगता है। यहाँ पर ना जाने क्यों मुझे ना एक एक्सपीरियंस शेयर करने का मन कर रहा है, जिसे हम टाइम ट्रैवल कहते हैं। वो हम मेडिटेशन के थ्रू कर पाते हैं। आपको सुनने में थोड़ा बहुत अजीब लगेगा, उसे काल चक्र बोलते हैं। और काल चक्र जब आपको प्रोवाइड किया जाता है, इट मीन्स जब काल चक्र आपको मिलता है, बिना काल चक्र की एनर्जी को अनलॉक किए आप किसी दूसरी अलग डायमेंशन में नहीं जा सकते। जब ये काल चक्र आपको दिया जाता है तो आपको ये एक्सपीरियंस खुली आँखों से भी कराए जाते हैं। अब ये एक्सपीरियंस आप कैसे कर पाते हैं कि हाँ आपको काल चक्र मिल गया है, उसके लिए मैं सिम्टम्स बताती हूँ कि आपको चैनलिंग की जाएगी और बोला जाएगा कि आपकी एनर्जी अनलॉक की गई है। और जब आप सामने किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जब आप त्राटक करते हैं तो आपकी ये एनर्जीज बहुत जल्दी अनलॉक हो जाती हैं। तो जब आप त्राटक करते हैं तो आपकी आंखें इतनी सध जाती हैं कि आप एक ही जगह पर लगातार काफ़ी टाइम तक देख पाते हैं। जब आप काफ़ी टाइम तक एक ही जगह पर देख पाते हैं तो आपकी आंखें इतनी सध जाती हैं कि वो अदर डायमेंशंस में जाने के लिए रेडी हो जाती हैं। आपकी जो ईथर बॉडी है वो इतनी एक्टिवेट हो गई है कि वो अदर डायमेंशंस में भी जा पाए। तो मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ जो एक्सपीरियंस मुझे कराया गया, और इस एक्सपीरियंस को अगर आप विजुअली देखना चाहते हैं तो एक सीरियल आया था बहुत पहले, महाकुंभ। जिस समय ये सीरियल आया था उस समय इस सीरियल को देखते हुए मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए थे। आई होप सो कि जब आप इस सीरियल को देखें तो आपको भी बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे। उसमें काल चक्र के बारे में बात की गई है। तो जैसे वर्लपूल होता है,
ठीक ऐसे ही ये काल चक्र होता है और ये एनर्जी लेवल पर होता है, मींस एनर्जी का होता है। वाइट कलर की एक एनर्जी जो बहुत छोटे से वर्लपूल की तरह स्टार्ट होती है और धीरे धीरे वो बढ़ती चली जाती है, आप उसके डीप में जाते चले जाते हैं। जैसे जैसे आप डीप में जाएंगे तो उसकी एनर्जी बड़ी होती चली जाती है, और जब वो कम्प्लीटली बड़ा ओपन हो जाता है उसमें आप एंटर करके जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं, किसी भी डायमेंशन में जा सकते हैं, अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में जा सकते हैं। सुनकर आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा लेकिन ये ट्रुथ है, क्योंकि जो लोग इस चीज़ का एक्सपीरियंस करते हैं वो ये जानते हैं कि हाँ हम कालचक्र के थ्रू कहीं भी आ जा सकते हैं। ये आपकी फिज़िकल बॉडी को ले जा पाता है या नहीं इसका एक्सपीरियंस मुझे नहीं है, और मैं कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको देना नहीं चाहूँगी। हाँ, आपकी ईथर बॉडी को ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर देता है, आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो जब ये इस स्टेट में आप इसको यूज़ करना सीखते हैं, अगर आप त्राटक कर रहे हैं और तब इसको कालचक्र को यूज़ करना सीखते हैं, तो उस टाइम भी ऑटोमेटिकली ये स्टेट आते आते आप मेडिटेशन स्टेट में चले जाते हैं, चाहे आप मेडिटेशन कर रहे हों या नहीं कर रहे हों। और उसके बाद जो एक्सपीरियंस आप करते हैं तो वो अनबिलीवेबल होते हैं। मैं बताना तो कुछ और चाह रही थी लेकिन डिवाइन की इच्छा, वो चाहते हैं कि आपको इस कालचक्र के बारे में पता चले तो मैंने बता दिया, अदरवाइज़ मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मैं बहुत रेयर होता है कि कोई इंटेंशन रख कर मैं वीडियोस बनाऊँ, नॉर्मली मैं डिवाइन पर छोड़ देती हूँ कि आप जो विजडम लोगों को दिलाना चाह रहे हो मैं वही बोल पाऊँ, क्योंकि एक्सपीरियंस इतने सारे होते हैं कि एक वीडियो में सारे एक्सपीरियंस शेयर कर पाना पॉसिबल नहीं होता। और मैं माफ़ी चाहूँगी, जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो बहुत बार मेरी जो वॉइस है, अपनी वॉइस के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं बोलना कुछ और चाहती हूँ और निकलता कुछ और है, और उस टाइम उसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं होता, तो मेरे जो वर्ड्स हैं, मेरी जो वॉइस है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट साउंड होती है। तो अगर वहाँ आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, वो उस टाइम मेरे बस में नहीं है, क्योंकि वो मेरी नॉर्मल वॉइस नहीं होती है, वो डायरेक्ट चैनलिंग वाली मोड होती है। तो जैसे जैसे चैनलिंग होती है मैं आपको बताती जाती हूँ। यहाँ पर मैं एक व्यूअर हैं जिनका नाम है अंजलि ठाकुरी, उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी और साथ ही साथ उनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी। मैं जानती हूँ अंजलि कि आप मेरी वीडियोस देखती हैं और जब आपका मन करता है तो आप अपनी जो विजडम है वो मेरे साथ शेयर भी करती हैं, लेकिन वो सिर्फ मेरे लिए करती हैं। मैं सीरियसली दिल से आपके लिए बहुत 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 थैंकफुल हूँ, मैं बहुत ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ कि आप अपनी विजडम मेरे साथ शेयर करती हैं, और जब मैं पढ़ लेती हूँ तो आप उस मैसेज को डिलीट भी कर देती हैं। इट मींस आपको पता चल जाता है कि हाँ मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है, क्योंकि इस बार मैंने शो नहीं किया था कि मैंने मैसेज पढ़ लिया है, फिर भी आपने उसको मेरे पढ़ने के बाद डिलीट कर दिया था। आपके एक्सपीरियंस वास्तव में बहुत रियल हैं, आपकी बहुत लंबी मेल थी, मैंने दिल से पढ़ी, बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहती हूँ कि आपके जो एक्सपीरियंस हैं आप बाकियों से शेयर करें। बिना आपकी परमिशन के मैं आपका कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करना नहीं चाहती। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके एक्सपीरियंस भी अपनी वीडियोज़ के थ्रू शेयर करूँ तो या तो मुझे मैसेज के थ्रू या तो फिर मुझे मेल के थ्रू इन्फॉर्म कीजिएगा। और दिल से मैं बहुत 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 थैंकफुल हूँ कि आप इतने अच्छे एक्सपीरियंस कर रही हैं और आप इतने सारे लोगों की हेल्प कर रही हैं, आप ह्यूमैनिटी को सर्व कर रही हैं,
और बाकी व्यूअर से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको भी जो पावर्स मिली हैं उनको आप ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए यूज़ कीजिए, आप मानवता के लिए आगे आइए। जैसे अंजलि ठाकुर जी अपनी हीलिंग पावर से बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रही हैं, सर्व कर रही हैं, बिकॉज ट्विन सोल्स बॉर्न हीलर होते हैं। ये चीज़ें उन्हें सिखाने की या सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बॉर्न हीलर होते हैं, उनके ब्लड में होता है, उनकी ईथर बॉडी में होता है और वो अपने आप ही लोगों को हील करते ही करते हैं। तो दिल से आपको बहुत बड़ा थैंक यू अंजलि ठाकुरी जी कि आप ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं और लोगों को अपनी बातों से, अपने एक्सपीरियंस से और अपने हाथों से हील कर रहे हैं। अगर आपकी परमिशन हो तो आप बाकी लोगों को भी अपनी कमेंट्स को पढ़ने का मौका दीजिए, जिससे कि जो लोग वास्तव में इस फील्ड में हैं वो इंस्पायर हो सकें और उनकी लाइफ में होने वाली कन्फ्यूजन्स भी दूर हो सकें। क्योंकि आप सबके सामने आना नहीं चाहती, इसीलिए मैंने भी आपके उन एक्सपीरियंस को सबके सामने नहीं बोला है, लेकिन मैं दिल से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सबके सामने आइए और उनसे शेयर कीजिए, क्योंकि हम जैसे जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर मैं भी माधुरी जी के कहने पर इस चैनल को ओपन नहीं करती तो जो लोग कन्फ्यूज़न में हैं उनकी कन्फ्यूज़न दूर नहीं होती। और बहुत अच्छा लगता है जब सब लोगों के मेरे पास मेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, और पर्सनली भी जब मैं कनेक्ट करती हूँ तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है कि हाँ, हम जैसे लोग हैं, बहुत कम हैं लेकिन हैं, और जो हिडन रूप से अपना काम कर रहे हैं। तो हमें यूनाइट होने की ज़रूरत है और साथ में मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अगेन थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ आप सभी लोगों को भी मेरा बहुत 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 शुक्रिया कि आप लोग दिल से मेरी वीडियो को सुनते हैं, अपना कीमती टाइम इन वीडियोस के लिए निकालते हैं, और जहाँ डाउट होता है वहाँ अपनी क्वेरीज भी भेजते हैं। जो मुझसे बन पड़ता है, जैसे मुझे टाइम मिलता है, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स ज़रूर देती हूँ। पर्सनल होता है तो मैं पर्सनली सेंड कर देती हूँ, और अगर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी तो मैं वीडियो के थ्रू मैं आंसर देती हूँ। जैसे कि आज की वीडियो के लिए मैं अनुजा जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, उन्होंने मेल डाल के अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर की और गाइडेंस मांगी, और मुझे लगा कि लगता है अभी भी कहीं ना कहीं कुछ रह गया है जो थर्ड आई चक्रा ओपनिंग में मैंने नहीं बताया है, इसीलिए आपको डाउट्स हैं। आई होप सो आज की वीडियो सुनने के बाद आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हों। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे अगेन मेल करके पूछ सकते हैं। बाकी उन सभी मेरी डिवाइन सोल से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहीं भी कोई स्टकनेस फील हो रही है तो आप प्रेयर कीजिए अपने आप से, डिवाइन से, वो जो आपके अंदर है वो किसी ना किसी रूप में सॉल्यूशंस दे ही देता है। और मैं अपने उन हिडन व्यूअर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ जो पर्सनली तो मुझसे बात करके अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं लेकिन सामने आना नहीं चाहते। उन सभी के लिए भी दिल से बहुत 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 सारा थैंक यू और बहुत सारा प्यार। आप सभी को दिल से मेरा बहुत सारा प्यार, मेरी बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स। मैं डिवाइन से प्रे करती हूँ कि आप सभी जो लोग इस जर्नी में हैं अपने डिवाइन टास्क को कंप्लीट करें, अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करें और वापस अपने परम धाम कंप्लीट होकर पहुँचें। आप अपने सोल पार्ट, सोल फ्रेगमेंट, उन सभी से जल्द यूनाइट हो जाएं। जाते जाते एक छोटा सा
क्वेश्चन का आंसर और देना चाहूँगी एक व्यूअर का। उन्होंने मुझसे ये पूछा कि क्या ट्विन सोल, ट्विन पार्ट्स या ट्विन सोल एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो उनके लिए मेरा आंसर है कि ट्विन मतलब होता है जुड़वां, चाहे जुड़वां वो दो बच्चे हों, तीन बच्चे हों, चार हों, पाँच हों, छः हों, लेकिन वो एक साथ होते हैं इसलिए उनको जुड़वां कहा जाता है। ठीक ऐसे ही हमारे भी जो सोल फ्रेगमेंट्स हैं वो मोर देन वन हैं, सभी के नहीं हैं, बहुत रेयर हैं। आप पूरे वर्ल्ड में देख सकते हैं कि जुड़वां बच्चे तो फिर भी बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन तीन बच्चे, चार बच्चे या पांच या छः वो बहुत रेयर मिलते हैं। तो उन कुछ सोल्स जो होती हैं वो चूजन वन होती हैं और उनके मोर देन वन सोल फ्रेगमेंट्स होते हैं। ये आपको तब पता चलता है जब आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को जीते हैं, तो आपके सामने वो पूरा ट्रुथ रिवील होता है कि आपके कितने सोल फ्रेगमेंट्स हैं। वो धीरे धीरे एनर्जी लेवल पर आपसे यूनाइट होते हैं और तब आप उनके बारे में जान पाते हैं कि आपके वन, मोर देन वन सोल फ्रेगमेंट्स हैं। और साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी, अगर आप किसी से बहुत इंटेंस अनकंडीशनली लव करते हैं, वो इंसान आपसे करता है उसकी गारंटी मैं नहीं दे रही, लेकिन अगर आप करते हैं किसी भी पर्सन से अनकंडीशनली लव करते हैं, तो आप डिवाइन से प्रेयर करके उसे भी अपनी सोल में मर्ज कर सकते हैं। ज़्यादातर ये केस उनके साथ होता है जो इंटेंस सोलमेट रिलेशन में होते हैं, क्योंकि वो अपने सोलमेट से इतना प्यार करते हैं कि वो उसके बिना ज़िंदगी देख ही नहीं पाते। तो वो डिवाइन से प्रेयर करते हैं कि आप हम दोनों को हमेशा साथ रखिए, और फिर उन्हें ये रिवॉर्ड मिलता है कि उन्हें एक दूसरे की सोल में मर्ज कर दिया जाता है। इस चीज़ के बारे में मैंने सोल पिरामिड ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, जिन्हें नहीं पता है वो सोल पिरामिड वीडियो देखकर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और जितने भी लोग इंटेंस सोलमेट रिलेशंस में होते हैं, वो ज़्यादातर, मैं ये नहीं कह रही सभी, लेकिन ज़्यादातर अपने सोलमेट के साथ ही, और फिर उस सोल को भी आपके सोल फ्रेगमेंट के रूप में आपकी सोल में मर्ज कर दिया जाता है और आप ट्विन सोल ही कहलाते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी से अनकंडीशनली इंटेंस लव करते हैं और आप उसके लिए प्रेयर करते हैं, तो भी आप सोल लेवल पर यूनाइट हो जाते हैं। और ये मैं कोई कल्पना नहीं बता रही हूँ, ये मैं एक्सपीरियंस के बाद कह रही हूँ कि ये ट्रुथ है। अब आप जिस किसी से भी इतना लव करते हैं कि उस पर्सन के बिना आप रह नहीं सकते, तो आप डिवाइन से मेडिटेशन में प्रेयर कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये डिवाइन के ऊपर है कि आपको ये रिवॉर्ड मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन जिसको भी मिलता है वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करता है और अपने रियल ट्विन सोल के साथ साथ अपनी उस सोल फैमिली मेंबर को भी अपने साथ मर्ज पाता है।